Assalamualaikum and welcome to another video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रमजान के हवाले से जो भी डिस्काउंट्स आते हैं यूएई के अंदर वो किस तरह से होते हैं. हमारे कंट्रीज में तो प्राइजेस बढ़ जाती है लेकिन यहाँ पर बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स आते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमें मिल रही होती है, स्पेशली रमजान के लिए हमें क्या क्या मिल रहा होता है और एज वेल एज नेस्टो हाइपर मार्केट के क्या प्राइस है. अगर आप नेस्टो से अपनी ग्रोसरी करते हैं तो वहां पे कौन सी चीज कितने की मिल रही है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ. तो नेस्टो का रिव्यू, रमजान के पहले रमजान की कौन कौन सी चीजें मिल रही है हमें उसका रिव्यू, और उसके साथ साथ रमजान के लिए स्पेशलाइज क्या क्या आ रहा है वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, प्राइजेस के साथ स्पेशल चीजों के साथ हर चीज इस वीडियो में कवर होने वाली है. तो चलिए आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं नेस्टो में और देखते हैं कि क्या स्पेशल है रमजान के. ओके जी, तो हम एंटर होने लगे हैं नेस्टो के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के मनाजिर और किस तरह से यहाँ पे सुपरमार्केट्स होती हैं और सुपरमार्केट्स के साथ साथ यहाँ पे रमजान की किस तरह से डील लगी हुई. जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर ही बैनर लगा हुआ है रमजान करीम का और अंदर उसी के हिसाब से सारी चीजें हैं, तो अंदर देखते हैं. अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमजान के हवाले से बंटिंग्स लगी, तो भाई जावेर साहब को मिल गए हैं फ्री के गिफ्ट. जावेर, व्हाट डू यू गेट? Wow! Beautiful! Wow, it's very good. You got this, huh? Very good. और ये देखें जी, आलू यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 2.50 केजी के. फ्रेश वेजिटेबल्स के तरफ में हम आ जाएं तो ये कैप्सिकम्स पड़े हुए हैं, ये कड़ी पत्ते हैं और ये छोटे से बेबी ऑरेंज लग रहे हैं मुझे. अब इसके अंदर ये सब कुछ आ जाती है ग्रीन लीव्स के अंदर ना. अभी हरा धनिया है, पुदीना है, पालक है और ये लाल साग और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ग्रीन लीव्स में आ जाती हैं. और ये एक धर्म की एक एक होती है, एक गड्डी मिलती है. मीन्स कि अगर आप ये एक हरा धनिया ले रहे हैं ना तो ये वन धर्म का ये आ जाती है. फिर एग्स की वैरायटी, और आप देख रहे हैं यहाँ से आता है कि टोटल एग्स की वैरायटी है. डिफरेंट कंपनीज के एग हैं, डिफरेंट प्राइजेस में हैं, देसी, सादे, छोटे, बड़े, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ये हर तरह के साइज़ के आपको एग मिल जाते हैं यहाँ पर. बीफ, मटन और देखें कलेजी और ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पर होती हैं. डिफरेंट प्राइजेज हैं, पाकिस्तान का बीफ है, इंडिया का बीफ है और डिफरेंट कंट्रीज़ का. ये देखें, ये पाकिस्तानी बीफ है, ये फिर इंडियन आ जाता है, ये इंडियन बीफ है और ये ब्राज़ील का बीफ है इस तरह से, और फिर ये चिकन वगैरह. फिर जहाँ तक डील्स की बात की है तो डील्स इस तरह से लगी हुई होती हैं यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि आपको अंदर शेल्फ़ में लगी हुई, क्योंकि डील्स हमेशा इस तरह से जो है ना वो क्यूब बना के रखा हुआ होता है सामान और उसके अंदर डील्स लगी हुई होती हैं यहाँ पर. जो है ना वो बेकरी आइटम भी कम्प्लीटली मिल जाता है आपको नेस्टो में. डिफरेंट आप उनके ब्रांचेस पर जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ अब एड ऑन हो गई है तमाम सुपर मार्ट्स के अंदर, तो बेकरी आइटम्स और ये सारी चीज़ें, और ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में यार. मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि ये एक स्लाइस ऑफ केक जो है वो 5 दरम का है और ये मिनी केक आप देख रहे हैं इसको, बहुत खूबसूरत सा 13 दरम का मिनी केक है. नाइस. तो जी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि आधा ब्लॉग मैं बना लूँ तो ये कुछ सनफ्लावर्स ऑयल हैं यहाँ पर. सॉल्ट भी है, सॉल्ट अल आमीन का. और यहाँ पर ज़्यादातर जूसेस और टैंक ज़्यादा मिलते हैं. ये टैंक है, ये पाइनएप्पल में भी मिलता है और ऑरेंज में भी मिलता है और लेमन में भी मिलता है, तो आप जैसे चाहें आप ले सकते हैं. बाकी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिली. ये दिस इज़ मसूर दाल, मसूर की दाल है, और ये है किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स. बाकी यहाँ पर सारे ऑयल रखे हुए हैं और ये हैं जावियार. जावी, आर यू हैप्पी? बाकी यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी ऑयल्स और सारे ड्रिंकिंग थिंग्स की होती है. बाकी वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको शायद कोल्ड ड्रिंक्स दिख रही होंगी. एंजॉय कर रहे हैं कि रमजान बहुत करीब है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड.
अब देखते हैं कि रमज़ान के कैसी हम लोग डेकोरेटिंग करते हैं। और बाकी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ हम लोग आए हुए हैं, कुछ खाने का रखा हुआ है, जैसे कि जलेबी, गुलाब जामुन, ठंड है। और दिस इज़ नॉट माय व्लॉग, बट मैंने डैडी से कहा था कि डैडी मुझे व्लॉग बनाना है, तो डैडी ने मुझे परमिशन दी। ये टमाटर का पाउडर है, बाकी सारे यहाँ पर ऑयल रखे हुए हैं, और आई थिंक वुड स्टार्ट कोरिएंडर पाउडर, ये चिली पाउडर है। आपको प्राइजेस मेरे डैडी ऊपर लिंक में शो कर देंगे। अब हम चलते हैं फ्रंट की साइड पे, जहाँ पर ज़्यादा वैरायटी है। ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हैं, और ये चावल बासमती भी हैं यहाँ पर, और पलाकादन भी हैं। हम लोग तो वैसे बासमती राइस बनाते हैं, लेकिन आज कोई न्यू ट्राई करेंगे। ये छोले हैं। तो जी ये जूसेस आप देख सकते हैं, जूस यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ देखेंगे इस पूरी शॉप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की वैरायटी है। ये सारे ऑयल और पानी की बॉटल भी हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको वैसे भी पता होगा अगर आप लोग ये यहाँ पर नहीं आए, इस शॉप का नाम है नेस्टो हाइपरमार्केट, जो एक मॉल की तरह लगता है लेकिन है नहीं। तो अब देखेंगे कि और क्या लेना है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना है। थोड़ी वो वीडियो बंद हो गई थी मुझसे। ये यहाँ पर जेलीज हैं, थोड़ी बहुत जेलीज रेसबेरी की भी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि और क्या आगे मिल रहा है। बाकी ये जामशीरी की तरह है, लेकिन है नहीं जामशीरी, असल जामशीरी तो ये है। बाकी हम लोग जब आपको वो दिखाएंगे, ये है नीडो, मिल्क नीडो। बाकी ये कॉर्नफ्लैक्स की तरह रखे हुए हैं सारे कॉर्नफ्लैक्स। तो अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे मामा बाबा हैं। तो जल्दी चलते हैं, फिर हमने बिलिंग करवानी है। ये सारे सॉसेजेस हैं, जिस लाइक हम लोग जो भी शान के मसाले डालते हैं वो उस तरह के। अब हम आगे चलते हैं और आपको हर चीज़ें दिखाते हैं। सो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऑयल की। ओके जी, ये ऑयल्स की कैटेगरी आ गई हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस पे और डिस्काउंट डील्स के ऊपर ये ऑयल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और जी ये चावल और शुगर वगैरह, इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं हर चीज़ की यहाँ पर भी ना, ठीक है। अब हम आ गए हैं ये ड्राई फ्रूट्स और जो मसाले, जो खुले मसाले मिल रहे थे उसकी तरफ। ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन किस्म की सेलेमन स्टिक्स, ठीक है जी, और इतने से डिफरेंट आपको मिल रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन और खुशबू भी इनकी बड़ी बेहतरीन है यार, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको अगर बताऊँ तो ये आ गए जी खजूर वाला सेक्शन आ जाता है। खजूर वाले सेक्शन में आपको ये ड्राई आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इंजीर वगैरह और ये इस तरह से चीज़ें। और उसके बाद ये खजूर आ गए, ये सब प्राइजेस के साथ मेंशन है, और डिफरेंट तरहों के खजूर रखे हुए हैं यहाँ पर। क्रॉकरी से रिलेटेड ना, रमज़ान के हवाले से ये स्पेशल इन्होंने एरिया बनाया हुआ रेड कारपेट करके, जिसमें रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई इन्होंने। अच्छा, इसके अंदर ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। अब देखें, जैसे कि इफ्तारी के लिए ना डिफरेंट हम प्लेट्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती हैं, तो इसका क्या है कि आप इसमें ये डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, उसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। और ये रिवॉल्विंग है, सबसे अच्छी बात यह कि ये रिवॉल्विंग है, इसमें आपने बीच में चने या कोई दही बड़े इस तरह की चीज़ें रख ली, और साइड में आपने पकोड़े वगैरह, और क्या है कि अब यहाँ पे एक पकोड़ा, उसके अपोजिट साइड वही पकोड़ा रख के, और डिफरेंट कैटेगरी रख के, अब कोई भी कहीं पर भी बैठा हुआ तो वो घुमाए और अपने साइड पे रख के चीज़ें निकाल लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यार। और इसी तरीके से अंदर भी दूसरी चीज़ें, यस, और अच्छे ब्रांड का है ये।